नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर, बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस था वह चेंज हो गया है, अब क्या होगा। एक तो बिहार पुलिस में एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, और दूसरी बात कि बिहार सब इंस्पेक्टर का जो हाल ही में एग्जाम हुआ, मेंस का जो कट ऑफ आया वो इतना ज़्यादा चला गया, उसमें भी नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, अब इसका सिलेबस चेंज हो गया, और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये हो गई कि सिलेबस में इंग्लिश को इंक्लूड कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्लियर करिए क्या है मामला। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ क्या है मामला। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि परेशान बिल्कुल मत होइए, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तब आप बोलेंगे कि सर, और जो PDF वायरल हो रहा है उसका क्या, उसके ही बारे में चर्चा करने आए हैं, उसके ही बारे में चर्चा करने आए हैं, और बिल्कुल प्रूफ के साथ चर्चा करने आए हैं। सबसे पहले उस PDF को आपने देखा होगा, या तो उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, या अगर उस PDF को अगर पढ़ना चाहते हैं विशेष रूप से तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए हमारे, है ना। इस PDF में जिसके सिलेबस की बात की गई है, सिलेबस में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसके सिलेबस में परिवर्तन हुआ है यहां पर ध्यान देने की बात है। बिहार पुलिस, जी हां, बिहार पुलिस, ठीक ना, बिहार पुलिस में आपका कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इन दोनों का चेंज हुआ है। लेकिन 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 यह जो है, यह विशेष ब्रांच यानी स्पेशल ब्रांच, है ना, दोनों जो है, यह विशेष ब्रांच और स्पेशल ब्रांच के लिए है, ना कि जो सामान्य है, जो सामान्य कांस्टेबल और सामान्य जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलती है उसके लिए नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आपको पता चला कि विशेष ब्रांच के लिए, तो देखिए आप जब उसको पढ़ेंगे तो वहां कोस्ट में लिखा हुआ है विशेष ब्रांच के लिए। दोबारा मैं एक और यहां पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इसको भी आप लोग पढ़िए, और इसका भी PDF हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए। इसमें यह दर्शाया गया है कि यह जो विशेष ब्रांच है, यह बिहार की जांच एजेंसी है, सशक्त करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए इसके सिलेबस में बदलाव किया गया है, इसे सशक्त करने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए इसके सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। इसकी खास बात यह होगी कि इस स्पेशल ब्रांच में जो भर्ती होंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि अब ये सिलेबस आने से इस एग्ज़ाम को देंगे और फिर इस विशेष ब्रांच या स्पेशल ब्रांच जो कहिए इसमें आप ज्वाइन करेंगे, और यहीं से आपकी रिटायरमेंट भी होगी, यहीं ज्वाइन करेंगे, यहीं से रिटायर करेंगे। तो यह केवल और केवल स्पेशल ब्रांच के लिए है यह सिलेबस, ना कि जो सामान्य, जो पहले से चला आ रहा था बिहार पुलिस और बिहार सब इंस्पेक्टर, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपने प्रूफ भी देखा है कि नहीं, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए हमारे टेलीग्राम से लेकर के। वही बात सब इंस्पेक्टर के लिए भी है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर इंग्लिश है, इंग्लिश कमज़ोर है, ये वो। जाहिर सी बात है, इंग्लिश कमज़ोर होता ही है, गांव देहात के बच्चे ही ज़्यादातर जाते हैं इसमें पुलिस में, है कि नहीं। और ये आपको भी पता है कि ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश जो है वह कमज़ोर ही है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी फिर से आने वाली है, तो उसकी तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, सिलेबस को देखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो इस बार जैसा फिर हाल होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी परेशान नहीं होना है, जो भी सिलेबस है आप यहाँ से देख लीजिए, या तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन आप इतना मानिए कि सिलेबस जो है वह विशेष ब्रांच का ही चेंज हुआ है। मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। आप जो परेशान थे, चिंतित थे, चिंता आपकी दूर हुई होगी, है ना। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल स्पष्ट हो लें कि जो सिलेबस चेंज हुआ है वह विशेष ब्रांच का हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।